हमने लास्ट लेक्चर में संधि देखी थी, संधि के टाइप्स देखे थे। संधि तीन टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में हम लोग देख चुके हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए हैं, उनकी डेफिनेशन भी देखी है। आज हम इस लेक्चर में विसर्ग संधि स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन बोर्ड पर विसर्ग संधि की डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इसे रीड करते हैं। रीड करने से पहले यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे MPPSC व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5PD ऐप को डाउनलोड नहीं किया, आप प्ले स्टोर से 5PD ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। देखिए विसर्ग संधि की डेफिनेशन दी हुई है, आइए हम इसे रीड करते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहती है। जब भी विसर्ग आएगा, विसर्ग मतलब ये जो दो बिंदु होते हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग, ये जो दो बिंदु होते हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग। या तो विसर्ग के पास स्वर आए, स्वर अ से लेकर आहा तक, आहा तो विसर्ग में आ गया, अ से लेकर सारे स्वर आए, या व्यंजन आए तो विसर्ग, विसर्ग और स्वर मिलकर भी कुछ विकार उत्पन्न करेंगे और विसर्ग और व्यंजन मिलकर भी कुछ विकार उत्पन्न करेंगे। जो विकार उत्पन्न करेंगे जिसके कारण वहाँ एक संधि होगी और उस संधि को कहते हैं हम विसर्ग संधि। उसके एग्जांपल दिए हुए तपह धन भूमि, यहाँ पर देखिए यहाँ पर विसर्ग और ये यहाँ पर दी है पड़ाव की मात्रा, जो मिलकर जब मिल रहे हैं दोनों प्लस हो रहे हैं मतलब मिल रहे हैं, ये एक शब्द दिया उसका संधि विच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। संधि विच्छेद करके हम दोस्त को भागों में तोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए जो विसर्ग है और छोटा सॉरी बड़ाव की मात्रा है ये दोनों मिलकर यहाँ पर ओ की मात्रा बना रही है। ये ओ की मात्रा यहाँ पर जो बनी है वो विसर्ग और बड़ाव की मात्रा के कारण बनी है। तपह धन भूमि इक्वल हो जाएगा तपो भूमि। निह धन आहार, निह धन आहार यहाँ पर जो ये ह है और उसके बाद आ आया है तो ये क्या बना रहा है, र बना रहा है तो ये हो जाएगा निराहार। निह धन आपात, देखिए यहाँ पर भी र बना था, सेम यहाँ पर भी विसर्ग के बाद अ आया है तो यहाँ पर भी र बनेगा और या की मात्रा है तो आ, तो ये हो जाएगा निरापद। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे, उसके पहले हम विसर्ग संधि के संधि विच्छेद करने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स हम रीड करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल पे वो अप्लाई करेंगे। विसर्ग संधि के संधि विच्छेद करने के भी कुछ रूल्स हैं, बोर्ड पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, आइए हम इसे रीड करते हैं और इन्हें अप्लाई करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला नियम, जब कभी विसर्ग के पूर्व अ योम बाद में अ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए अथवा यर ल व ह वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए कैसा हो रहा है, इसमें विसर्ग के पूर्व अ, विसर्ग के पूर्व आए और बाद में या तो आए या य आए, र आए, ल आए, व आए, ह आए, या तो क ख ग घ इंग, तो उसमें से तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे ही हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अगर आएगा तो वो जो विसर्ग है, जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा, वो बना लेगा ओ की मात्रा। तो देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पे, यशह धन गान, यशह धन गान, ये देखिए ये क वर्ग का तीसरा वर्ण आया, क क ख ग तीसरा वर्ण आया, जब भी विसर्ग के पूर्व यश अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, विसर्ग के पूर्व अ तो आ रहे है और जस्ट बाद में क जो क वर्ण वाली लाइन है उसमें उसका थर्ड वाला, देखिए प्रथम वर्ग का वो कौन सा थर्ड वाला आ रहा है ग, तो ये विसर्ग और ग मिलाकर ओ की मात्रा बना लेंगे, ओ की मात्रा बना ली विसर्ग की प्लेस पे और पूरा जैसा का वैसा, तो यशो धन गान मिलाकर बना लेंगे यशो गान। मनोहर धन हर, अब मनोहर कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर ये जो विसर्ग है और ये ह, विसर्ग के पूर्व जो क्या आया है, विसर्ग के पूर्व अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और जो ये विसर्ग ह है इससे ओ की मात्रा बन जा रही है और ओ की मात्रा काय की जगह आएगी, विसर्ग की प्लेस पे आएगी, बाकी जैसा का वैसा। तो देखिए मनह धन हर लिखा था तो विसर्ग की जगह ओ की मात्रा लिख दीजिए और पूरा बन गया मनोहर। एक बार फिर से रीड कर लीजिए, जब कभी विसर्ग के पूर्व अ योम बाद में अ या
प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए अथवा य र ल व ह वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा है कि विसर्ग के बाद ह आ जाए, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद ह आ रहा है, जो कि ह जब भी आएगा तब ये विसर्ग काय में ओ की मात्रा में चेंज हो रहा है, तो यहाँ चेंज हो गया तो मनह धन हर हो गया मनोहर। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए विसर्ग संधि के लिए रूल नंबर सेकंड क्या हुआ है, बोर्ड पे दिया हुआ है, हम इसे रीड करते हैं। जब कभी विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण स्वर हो या यों बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह या कोई दूसरा वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट रूल देखा था उसमें विसर्ग के पूर्व या तो अ आना चाहिए था या तो आ आना चाहिए था, पर यहाँ पर विसर्ग के पूर्व अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आना चाहिए, जैसे उ आ सकता है, बड़ा उ आ सकता है, ए की मात्रा इस टाइप के आ सकते हैं, और उनके बाद में यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह या कोई दूसरा वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं कि कैसे हो रहा है, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। दूहा धन उपयोग, अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के पूर्व जो है उ दिया हुआ है, छोटा उ की मात्रा मतलब उ है और उसके जस्ट बाद यहाँ पर लिखी हुई है एक कंडीशन कि इन ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह या कोई दूसरा वर्ण भी आ सकता है, तो दूसरा वर्ण यहाँ पे क्या आया, उ, तो ये काय में चेंज होता है, र में चेंज होता रहता है, तो ये मिलके र बना लेगा, तो देखिए ये र बना हुआ है और ये उ के कारण यहाँ पर लग गई है बड़ा उ की मात्रा, तो दुहधन उपयोग बराबर ही हो जाएगा दुरुपयोग। सेकंड वाला देखिए निहधन आधार, निहधन आधार देखिए विसर्ग के पूर्व यहाँ पर छोटी की मात्रा, ये मतलब ई दिया हुआ है और ये अ, ई और अ मिलके बना लेगा र बना लेगा, या ये बोल सकते हैं कि जो विसर्ग है विसर्ग के पूर्व जब भी ई आता है उसके बाद कोई अन्य आता है वर्ण या तो फिर उसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए तो वो र में चेंज हो जाता है, तो विसर्ग के प्लेस पे तो र आ गया, ये र आ गया, और यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है तो इसमें आ की मात्रा लग गई, तो ये हो जाएगा निहधन आधार निराधार। थर्ड नंबर का देखिए क्या है, निहधन जन निर्जन कैसे हुआ, ये विसर्ग, विसर्ग के बाद ज, जैसे च छ ज झ इग, ये टाइप का आता है, तो यहाँ पर देखिए च वर्ण वाला जो लाइन है उसका तीसरा वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा चौथा या पांचवा, तो विसर्ग के बाद यदि तीसरा वर्ण आया और विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, तो यहाँ अ और आ को छोड़कर ई आया हुआ है, तो ये विसर्ग काय में चेंज होता है, र में चेंज हो जाता है ये र, तो ये र की यहाँ पे क्या लग गई है, रकार लग गई है, तो निह धन जन मिला के बना लेगा निर्जन। दुख धन जन बराबर से दुर्जन, दुख धन जन बराबर से दुर्जन, ये कैसे हुआ है, देखिए विसर्ग के पहले उ दिया हुआ है, विसर्ग के जस्ट बाद में च वर्ण के का जो कौन से नंबर का वर्ण है, ये थर्ड नंबर का वर्ण है, तो जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तो विसर्ग की प्लेस पे हम र लिख देते हैं, तो यहाँ विसर्ग की जगह र की रकार आ गई, तो दुह धन जन मिला के बना लेगा दुर्जन। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए रूल नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, आइए हम इसे रीड करते हैं। जब कभी विसर्ग के पहले कोई स्वर उपस्थित हो, विसर्ग के पहले स्वर उपस्थित हो तथा बाद में च छ श वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का श वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और उसके बाद च छ और श तीन वर्ण आए तो वो श में श वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसी विसर्ग के प्लेस पे स आएगा और वो भी आधा स आएगा। देखिए एग्जांपल, देखिए यहाँ पर विसर्ग दुहधन चरित्र दुष्चरित्र हुआ, देखिए कैसे हुआ है दुष्चरित्र ये देखेंगे। देखिए विसर्ग के पहले यहाँ पे छोटा उ की मात्रा दी हुई है, जो छोटा उ की मात्रा ये एक स्वर है और विसर्ग के पहले स्वर दिया हुआ है और उसके जस्ट बाद में च वर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ हमारी कंडीशन है कि विसर्ग के बाद अगर च छ और श आए तो वो श वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग की प्लेस पे श आया है और आधा सा बनेगा, तो यहाँ पे आधा झ, तो दुहधन चरित्र होगा दुष्चरित्र। सेम देखते हैं इसमें निश्चल में कैसे हुआ है,
निहधन्चर। तो देखिए विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आ रहा है, ये छोटी की मात्रा है, ई आया है और उसके बाद छ आया है। तब विसर्ग के प्लेस में आप स लिख देते हो तो ये स लिख दिया तो बन गया निश्चल। निहधन्चेत, निश्चित कैसे हुआ? विसर्ग के पहले ई है और ई के बाद में, यहाँ पे विसर्ग और विसर्ग के बाद में च है तो च वर्ण जब भी आता है तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है? स वर्ण बन जाता है। तो ये स यहाँ पे आ गया तो निश्चित। यहाँ पर देखिए आधे ही सकर वाले स दिए हुए हैं तो इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। हमेशा याद रखना कि इस टाइप का कोई भी अगर अक्षर आए और उसमें आधा स बना हुआ है, सकर वाला स आधा बना हुआ है, तो आप उसको जो पहले दिया हुआ है उसको उसको और बाद वाले को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे धूफ धन चरित्र, और ये जो स दिया है उसकी प्लेस पर आप विसर्ग लगा दें और यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। जो सब इंजीनियर के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें संधि से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो देखिए रूल नंबर 4 जो हमारा संधि का टॉपिक है इससे सब इंजीनियर एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संधि को ध्यान से रीड कर लीजिए और इनसे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, इन्हें कैसे तोड़ना है, इनका संधि विच्छेद कैसे करना है, इनको कैसे पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें ध्यान से आप सीख लीजिए तो हो सकता है कि जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं संधि से रिलेटेड वो सही हो जाए। देखिए रूल नंबर 4, जब कभी विसर्ग से पहले ई उ अथवा बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी श बन रहा था पर यहाँ कंडीशन थी कि च छ और श आना चाहिए और उसके पहले कोई भी स्वर हो सकता है, पर यहाँ पर विसर्ग के पहले ई और उ ही आएगा, उसके बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण अगर उपस्थित हो तो विसर्ग का ये षटकोण वाला स बन जाता है, वो भी आधा बनेगा। कैसे? दुहधन प्रकृति, दुष्ट प्रकृति। तो देखिए विसर्ग के पहले उ दिया हुआ है, उसके जस्ट बाद में प वर्ण दिया हुआ है, प दिया हुआ है ये देखिए, और जब भी इस टाइप की कंडीशन होगी तो विसर्ग की प्लेस पे स लिख देंगे, वो भी आधा, तो दुष्ट प्रकृति। निहधन पाप, निष्पाप। विसर्ग के पहले ई आया और विसर्ग के बाद में प आया है जो कि हमारे विसर्ग को कन्वर्ट कर देते हैं षटकोण वाले स में, तो ये हो जाएगा निष्पाप। निहधन कपट, निष्कपट, कि विसर्ग के पहले ई दिया हुआ है उसके जस्ट बाद में क दिया हुआ है, तो ये जो विसर्ग है उसकी प्लेस में हम लिख देंगे श। चतुहधन पद, चतुष्पद। ये देखिए ये जो विसर्ग है और उसके जस्ट विसर्ग के पहले तो उ दिया हुआ है और उसके बाद में क्या दिया है? प, तो विसर्ग की प्लेस पे क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। एक तो ये स आधा है उससे भी हम पहचान लेते हैं कि विसर्ग संधि है, और या तो ये वाला स आधा है तब भी हम पहचान लेते हैं कि कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ये जो 4th नंबर का और 5th नंबर का जो रूल है ये काफी इजी है क्योंकि इसमें स दिया हुआ है, अगर आपको कोई वर्ड दिया हो इनमें से तो आप आसानी से पहचान सकते हो, यदि बीच में ये आधा स और ये दोनों में से आधा स दिया हो तो आप पहचान सकते हैं कि वहां कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए विसर्ग संधि के रूल नंबर 5 क्या है, आइए हम इसे रीड करते हैं। जब कभी विसर्ग के बाद त अथवा थ उपस्थित हो तो, विसर्ग के बाद अगर त और थ उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। कंडीशन है कि विसर्ग आना चाहिए और विसर्ग के बाद या तो त आना चाहिए या तो थ आना चाहिए, तो वो श में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आइए हम इसे देखते हैं। बस हमें याद रखना है कि विसर्ग और विसर्ग के बाद त और थ दोनों में से कोई भी उपस्थित हो तो वो स वर्ण में परिवर्तित हो जाता है और विसर्ग की प्लेस पे स आ जाता है, ये कह सकते हैं। दुहधन साहस, दुस्साहस। ये एक अपवाद है, अपवाद है, इसको स्टार लगा लीजिए, अपवाद है, मतलब कि यहाँ पर देखिए विसर्ग के जस्ट बाद स आ रहा है, विसर्ग के जस्ट बाद यहाँ स आ रहा है, ये हमने जो कंडीशन देखी है ये तब अप्लाई करते हैं जब विसर्ग के बाद त और थ आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? स आ रहा है।
तो ये अपवाद है कि स आने पर भी ये स में कन्वर्ट हो रहा है, तो विसर्ग जो है वो स में कन्वर्ट हो रहा है। इसे स्टार लगा के अच्छे से रेड कर लेना, याद कर लेना कि स आएगा तब भी वो क्या में स में कन्वर्ट हो रहा है। दुहदन शाह दुशाहस, ये विसर्ग की प्लेस पे स आ जाए। नीहदन तेज, देखिए विसर्ग के जस्ट बाद क्या आया है, त वर्ण आया। विसर्ग के जस्ट बाद त वर्ण आता है तो विसर्ग की प्लेस पे श आ जाता है। देखिए यहाँ पे स आया है तो नीहदन तेज निस्तेज, नमहदन ते नमस्ते। विसर्ग के बाद त वर्ण जब आता है तो विसर्ग का स बन जाता है, नमस्ते बन गया है। दुहदन तत दुष्टर, विसर्ग के बाद त आ रहा है तो ये उसमें विसर्ग स में कन्वर्ट हो रहा है तो बना ले रहा है दुष्टर। देखिए यदि ये स आधा स षटकोण वाला आधा स और सरोते वाला आधा स कोई भी आपको शब्द में दिखेगा तो वहां डेफिनेटली विसर्ग संधि होगी। और ये स के जस्ट पहले जो दिया होगा उसको विसर्ग लगा के कर लेना, और इसके बाद जो दिया होगा उसको प्लस करके लिख देना। तो इस टाइप से आपको विसर्ग संधि में पहचानने में सहूलियत जाएगी। यदि ये तीनों स में से कोई भी स दिया हो वो भी आधा, तब वहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। देखिए रूल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, जब कभी विसर्ग के पूर्व अ उपस्थित हो और बाद में क अथवा प, विसर्ग के पूर्व अ आना चाहिए, विसर्ग के पूर्व अ आना चाहिए और बाद में क और प वर्ण उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो विसर्ग में कोई टाइप का परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ विसर्ग दिया हुआ है, तो जब ऑलरेडी विसर्ग दिया रहेगा तो हम तो डायरेक्ट किसी इसी शब्द से पहचान लेंगे कि यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, बस अंतःधन पूर कर देना, अंतःपूर हो गया। देखिए विसर्ग के पहले तो अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, अ के बाद में प आ रहा है, तो उसको हम विसर्ग को हटाते ही जैसा का वैसा लिख देते, तो ये हो गया अंतःधन पूर अंतःपूर। प्रातःधन काल, प्रातःकाल को हमें पता है कि हम ऐसे ही लिखते हैं, तो देखो इसका संधि विच्छेद भी सेम ऐसा ही होगा, जहाँ विसर्ग है उसको प्रातःधन काल लिख दीजिए, बस विसर्ग बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग के पहले अ आ रहा है और विसर्ग के बाद में प और क आ रहा है। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए रूल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, हम इसे रीड करते हैं। जब कभी विसर्ग के बाद छ, विसर्ग के बाद छ उपस्थित हो तो ऐसे स्थिति में विसर्ग लुप्त हो जाता है। ये सारा जो सातवां नियम दिया हुआ है, 7th नंबर का जो रूल है, उसमें सारी जगह से विसर्ग लुप्त हो रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है, जब कभी विसर्ग के बाद छ उपस्थित हो, विसर्ग के बाद यदि छ आएगा तो वहां पर विसर्ग लुप्त हो जाएगा और जो विसर्ग है उसके स्थान पर च का आगम हो जाएगा, मतलब कि विसर्ग की प्लेस पे क्या आ जाएगा, च आएगा और आधा च आएगा। देखिए एग्जाम्पल दिए हुए है परिहेधन छेद परिच्छेद, तो यहाँ विसर्ग के बाद जब छ वर्ण आएगा, बोला है कि विसर्ग के बाद जब छ वर्ण आता है तो विसर्ग की प्लेस पे च हो जाता है, तो देखिए विसर्ग की प्लेस पे यहाँ क्या हो गया है, आधा च दिया हुआ। इससे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के बाद यदि छ आता है तो च हो जाता है। सेकेंड वाला देखिए अनुहधन छेद, यहाँ पर विसर्ग के बाद छ वर्ण आया है और जब विसर्ग के बाद छ वर्ण आता है तो विसर्ग की प्लेस पे च हो जाता है। अनुच्छेद परिच्छेद, अनुच्छेद यहाँ पर आधा च आया हुआ है, इससे हम कह सकते हैं और च के जस्ट बाद भी छ वर्ण आया है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जब कभी विसर्ग के बाद र उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा विसर्ग के पूर्व वाला वर्ण या स्वर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद क्या है, राय, विसर्ग के बाद राय, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग निहधन रस दिया हुआ है, निह विसर्ग के बाद र आया है तो यहाँ पर लगने वाला जो स्वर है, तो यहाँ पर ई लगाया है, ये हस्व स्वर है, ये कौन सा स्वर है, हस्व स्वर है, तो वो दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ई का जो दीर्घ स्वर है वो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो ये देखिए निहधन रस क्या बना लेगा, विसर्ग की प्लेस पे वो जो हस्व स्वर वाली जो मात्रा है वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगी तो बड़ी की मात्रा बना लेंगे, तो निहधन रस हो जाएगा नीरस। जब कभी विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ हो तथा
विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न, विसर्ग के पूर्व अ होना चाहिए और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ पर अतः धन एव, अतः के पहले अतः, यहाँ पर अ आ रहा है, अ आ रहा है और उसके बाद यहाँ भिन्न स्वर आ रहा है, अ के बाद ए आ रहा है ना, भिन्न स्वर आ रहा है तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, हट जाएगा, बाकी जैसा का वैसा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अतः अतः एव। यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि खत्म होती है। हमने सब इंजीनियर एग्जाम के पर्पज से संधि का टॉपिक लिया था, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में आपको एक्सप्लेन कराया, उनकी डेफिनेशन बताई, उनके एग्जाम्पल बताया, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि को पहचाना कैसे जाता है, और एग्जाम के पर्पज से यहाँ पर कुछ और संधि विच्छेद और वर्ड्स दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे MPBSC व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5PDF को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से 5PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में समाज देखेंगे, समाज के टाइप देखेंगे, समाज के एग्जाम्पल देखेंगे। ये सारे लेक्चर आपके एग्जाम के पर्पज से बनाए जा रहे हैं, तो इन लेक्चर को मिस मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। Thank you.